ये प्रोडक्ट जो है वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक जेल वाइटनिंग एंड लाइटनिंग क्रीम है। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें 15 SPF भी मौजूद है। ये क्रीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन कम्बिनेशन है और ऑयली स्किन है, और जिनके टी जोन एरिया जो होता है वो ऑयली रह जाता है और बाकी ड्राई होता है। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केयर एंड केयर विद क्रिएशन। दोस्तों उम्मीद है सब ठीक होंगे, क्या खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है उनका जो मसला होता है वो टी जोन एरिया होता है, एंड टी जोन एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ऑयली होता है और बाकी का जो फेस होता है वो ड्राई होता है। या अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, और ऐसे लोगों का काफ़ी मसला होता है कि ये गर्मियों में ऐसी क्रीम तलाश करते हैं जो कि उनकी स्किन को मैटिफाई भी करे, मैट लुक दे और स्किन को मज़ीद जो है वो सेंसिटिविटी से भी बचाकर उनकी स्किन पर लाइटनिंग इफ़ेक्ट भी दे। मसलन अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है या फ्रैकल्स हैं तो उनको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करें। तो आज जो क्रीम आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आपसे शेयर करने हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ लगे बेल बटन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। जी तो दोस्तों मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि ये एक जेल क्रीम है और इसके अलावा इसमें 15 SPF भी मौजूद है, और डे केयर स्किन रूटीन के लिए ये बेस्ट क्रीम है। अगर आपकी स्किन कम्बिनेशन और ऑयली है तो ऐसे लोगों के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी जो है वो अच्छे तरीके से आपकी स्किन को ट्रीट करेगी और आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करेगी, क्योंकि इसमें 15 SPF भी है जो दिन में धूप से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। और इस क्रीम में बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो एक साथ एक क्रीम में मिलते हैं, एक जेल क्रीम में मिलते हैं। इसमें जो है एस्कॉर्बियल फॉस्फेट है, अल्फ़ा ऑर्बिटिन है, नाइसनेमाइड है, लैक्टिक एसिड है और इसके एमल्सिफाइंग वैक्स, और इसके अलावा बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपकी जो कि बहुत कम मैंने देखा है कि इतनी अच्छी प्राइस में, इतनी कम प्राइस में, मतलब हर किसी के रेंज में भी है और एक साथ ये इंग्रेडिएंट आपको मिले जिससे आपकी स्किन लाइट भी हो और पिगमेंटेशन भी आपकी ये फेड करेगा। ये जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों के जिनकी फ्रैकल्स हैं, ब्राउन पैचेस हैं या इसके अलावा पिगमेंटेशन है, और जिनकी जिन लोगों की स्किन पर ओपन पोर्स हैं और रिंकल्स वगैरह हैं, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो ये एक क्रीम में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा ये स्किन को स्मूथ भी करती है, कि अगर आप इसको लगा कर देखें तो ये जितनी भी फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, इसको आपकी स्किन से गायब कर देगी और मॉइस्चराइज्ड भी करेगी आपकी स्किन को, मतलब हाइड्रेट भी रखेगी। और ये इंग्रेडिएंट एक साथ अगर आपको मिल जाए तो ऑयली और या कम्बिनेशन स्किन के लिए ये एक बेस्ट क्रीम होती है, क्योंकि एक जेल क्रीम है और वाटर बेस्ड भी है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो कि इसमें मौजूद हैं आपकी स्किन पर में तेज़ी से बनने वाले जितने भी मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। और इसका ऑयल फ्री फार्मूला जो है वो बहुत क्विक ऑब्जॉर्बिंग फार्मूला है और डार्क स्पॉट्स और क्लॉग्ड पोर्स को भी क्लीन करता है। मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले हैं और इसको लगाने के बाद आपको किसी भी सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबसे अच्छी बात जो है, और अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। सोचा आपसे इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है, और जिनके जो प्रॉब्लम है उनकी स्किन कम्बिनेशन है और ऑयली स्किन है तो ऐसी क्रीम को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये इसका रिव्यू मैंने आपसे शेयर किया है। और लोगों को इसकी तलाश है वो इस क्रीम को लाजमी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जब ट्राई कर लें तो मुझे इसका रिज़ल्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेड वाले
जो बटन है सब्सक्राइब जहाँ लिखा है उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके साथ लगे बेल बटन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं।